दोस्तों मुझे मेरे YouTube चैनल पर बहुत सी कमेंट आती रहती है और एक कमेंट तो रियल में रोला देने वाली थी। उस कमेंट में ये था कि सर मैं इंटरनेट से 4 साल से चिपका हूँ, यानी कि इंटरनेट से मैं पैसे कमाने की 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ और मैंने खूब कैप्चर भर लिए, खूब मैंने सर्वे फिल कर लिए, खूब मैं वीडियो को वॉच करता हूँ, खूब मैं ऐड को देखता हूँ और यहाँ तक कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट कर दी है और यूट्यूब वीडियोज बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक मैंने 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं करी है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर आप ये सोचते हो कि ऐड को वॉच करने से पैसे कमाया जा सकता है, सर्वे को कंप्लीट करने से पैसे कमाया जा सकता है, वीडियो को वॉच करने से पैसे कमाया जा सकता है या फिर ऐप को डाउनलोड करने से पैसे कमाया जा सकता है, तो दोस्तों आप 4 साल चले 4000 साल भी अगर आप चिपके रहोगे तो भी 1 रुपये की अर्निंग नहीं कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों कुछ जेन्युइन ट्रिक होती है जो कि रियल में जहाँ से तुम पैसा कमाया जा सकता हो। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिस ट्रिक के सहारे से 101% अर्निंग कर सकते। जिस भाई ने कमेंट करे अगर वो भी वीडियो को वॉच कर रहा तो उससे भी ये बात कहूँ भाई आपको इस वीडियो को वॉच करना है अगर आप 101% और रियल में ही अर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रिक देने वाला हूँ बिना अपना फेस दिखाए बिना कुछ मेहनत करे बहुत ईजिली तरीके से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो बिना 1 रुपये इन्वेस्ट करें। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और वीडियो को देख करके समझ करके आपने 15 से 20 दिन भी उसी हिसाब से दे लिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ तो रियल मानी आप ज्यादा तो नहीं लेकिन 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली अर्निंग कर सकते हो, और अगर आपने और ज्यादा टाइम दिया तो 30 से 40 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हो, उसमें अगर आपने और ज्यादा टाइम दिया तो आप यहाँ से 1,00,000 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हो। बस एक ही बात कहूँ आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको ट्रिक थोड़ी जानी पहचानी लगेगी लेकिन इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपके पास है वक्त है समय है तो इस वीडियो को वॉच करना, नहीं तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ स्किप करके और छोड़ देना। अगर आपके पास में समय तब इस वीडियो को वॉच करना, यहाँ पर जो ट्रिक और सीक्रेट्स रहेंगे वो बिल्कुल अलग और जेन्युइन है। तो चलिए दोस्तों फटाफट बढ़ते कंप्यूटर के स्क्रीन पर जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस समझाऊंगा। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आपको बता रहा हूँ यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कुछ वीडियोज बनाना। देखिए दोस्तों जो वीडियोज रहेंगे बिल्कुल अलग है, यानी कि उस वीडियोज के अंदर ना ही तो आपको अपना फेस दिखाना है, ना ही आपको अपनी आवाज देनी है और ना ही आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी है। ओनली कॉपी पेस्ट का सिस्टम रहेगा, उस पर कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। वो टॉपिक बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, उस टॉपिक के सहारे से आप बहुत जल्दी अपने चैनल ग्रो कर सकते हो और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। ज्यादा चलने वाली वीडियोज होती है वो किड्स की वीडियो होती है, यानी बच्चों की वीडियोज होती है। अगर आप बच्चों की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो तो आप बहुत अच्छी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट लेकर रखी हुई है, उस वेबसाइट के सारे से आप किसी भी कंटेंट को वॉइस में चेंज कर सकते हो और उस वॉइस को कन्वर्ट करेंगे वीडियोस में और वीडियोस को अपलोड करेंगे यूट्यूब पर और यूट्यूब के सारे से आप 1,00,000 तक की अर्निंग करोगे। और एक ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, यदि मैं इस वेबसाइट को कॉपी करूँ और फटाफट मैं हूँ अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ मैं इस वेबसाइट को आपको डाल के बताऊंगा। हालांकि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, सिंपल सा ही प्रोसेस, बस आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना सिंपली आप यहाँ पर आपको इसको गूगल से नॉर्मली अकाउंट बन जाएगा, साइन अप पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने कोई भी मेल आईडी से अपने यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे देखो आप यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, यानी कोई भी ज्यादा भसड़ा नहीं, कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं, सिंपल से प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर यूज करने का जैसे आपको यहाँ पर क्रिएट दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हालांकि आप यहाँ पर चाहो जैसे वीडियो बना सकते हो, देखो यहाँ पर आप जो एनिमेशन वीडियोज वगैरह कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ हिंट दूंगा तो यहाँ से आप कुछ भी वीडियोज बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, क्लास की वीडियो बना सकते हो, बार टेबल की वीडियो बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ आपको क्रिएट वॉइस का बटन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों सबसे ज्यादा जो वीडियोज देखी जाती है वो किड्स वीडियो देखी जाती है, क्योंकि किड्स एक बच्चे जैसे होते हैं किसी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उसको चला के और चलने देते हैं, यानी कि उसमें ये सिस्टम नहीं कि वीडियो अच्छी नहीं लग रही है इसको आधा काट के देखो फिर आधा काट के देखते हैं। ये तो हम बड़ों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर जो एक बार वीडियो चल जाती है वो उसको देखते रहते हैं क्योंकि उसको तो बस ये अच्छा लगता है कि इसमें क्या आवाज आ रही है, क्या कैसे कार्टून चल रहे, वो तो बस इसको देख करके खुश रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हिंदी कहानियां कुछ इस तरह की कहानी से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर अगर आप चाहो और भी अच्छा तो यहाँ पर आप मोटिवेशनल स्टोरी ले लीजिए। मोटिवेशनल स्टोरीज के अंदर तो आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि पहले तो मोटिवेशनल स्टोरी कंटेंट में चलती थी लेकिन उस कंटेंट को आप ऑडियो में कन्वर्ट करके और उसको आप डाल सकते हो, यानी ऑडियो बुक समरी बना सकते हो जो कि मोटिवेशनल होती है। अगर आप मोटिवेशनल का भी एक चैनल बना लेते हो और उस पर आप ऑडियो बुक समरी डालो मोटिवेशनल से रिलेटेड तो आपका चैनल बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। हिंदी कहानियां, ठीक है, अगर
आप ये भी लिखा यहाँ पर, अगर आप हिंदी कहानियां लिखते हो तो आपके सामने बहुत सी हिंदी कहानियां आ सकती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सी हिंदी कहानियां आ जाएंगी अभी, उनमें से आप किसी भी कहानी को ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये कहानी बकरी की सहेली, ठीक है, आप क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको जो क्या करना है इस कंटेंट को कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर देना, और ये उस कंटेंट को जो है वॉइस में कन्वर्ट कर देगी। उसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड टोन वगैरह लगा सकते हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वही आपको देखना है, ठीक है। जैसे बकरी की कहानी है और यहाँ पर आप और भी आ सकते हो, जैसे यहाँ से आप कोई भी अच्छे देख सकते हो, जैसे ये चूहे का आपको ये देख रहा है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको कोई भी ले देते हो, जैसे यहाँ पर ये भी देख सकते हो लालच का फल, इनमें से ले सकते हो कोई। ये बच्चों की कहानियां दोस्तों, यहाँ पर आप लेकर के इनको टेन को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, छोटे इसको, जैसे यहाँ से मैं इसको इतना कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैंने इतना कॉपी किया यहाँ तक, और मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर पूरा कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है, फीमेल की है या इंग्लिश जगह में हिंदी कर देंगे कंटेंट को। शिकारी, हिरन, सुअर, सांप और शियार की कहानी डैश। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वह हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सुअर दिखलाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है, इसी सुअर का शिकार कर लेता हूँ। इसका कुछ मांस मैं खा लूंगा और बाकी बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि पास में और यहाँ से आप इसको और स्लो कर सकते हो। अगर आप चाहो बीच बीच में कहीं रोकना है, जैसे ये था है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और स्लो कर सकते हो। यहाँ पर इसको जैसे आप थोड़ा सा क्या है, आप रोक के बोलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ मैं थोड़ा लेट कर दूंगा, ठीक है। आप प्रीव्यू करके चेक करते हैं। शिकारी, हिरण, सुअर, सांप और शियार की कहानी डैश। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाउनलोड अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये अभी हमसे जो कुछ $19 कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको फ्री में करेंगे। अब फ्री में किस तरह किस करेंगे, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ आपको ये जो है एक कैप्चर स्क्रीन रिकॉर्डर आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है, ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। इसी समय मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको ऑन करके और इसको आप इसको ऑन कर देना है। सांप और शियार की कहानी डैश। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। अब दोस्तों ऑडियो को मैं कन्वर्ट करूंगा वीडियोस के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं आऊंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थंबनेल को डाउनलोड करूंगा। देखो थंबनेल आप बना भी सकते हो, या फिर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है। ये कि थंबनेल आपको वीडियोस को लगाना, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और भी अगर आपके पास अच्छा टाइम हो तो यहाँ पर आप क्या करना, जैसे अच्छा अच्छे वीडियोस सुअर डाउनलोड कर लिया, हिरन डाउनलोड कर लिया, शिकार डाउनलोड कर लिया, वो शिकारी बोलो उस टाइम पर शिकारी आवाज हो, सुअर बोलो उस टाइम पर सुअर आवाज हो, या फिर हिरन बोलो उस टाइम पर हिरन आवाज हो, कुछ इस तरीके से अगर आप इसको सेटअप करते हो तो और भी ज़्यादा वीडियो आपकी जो है वायरल होगी। क्योंकि अगर मैं आपको इस तरीके से बनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं सिंपल से प्रोसेस आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या, आगे चल के मैं करना क्या, जैसे यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ आपको जो है एक जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है फिल्मोरा, इस पर आप क्लिक करोगे तो फिल्मोरा आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फिल्मोरा को ओपन कर लेना है, जब मैं क्लिक करूँगा और ये दोस्तों जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो हमारी ये वीडियो थी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर जैसे कॉपी करके डाल दूंगा और यहाँ मैं इसको आप ओपन कर दूंगा, ठीक है। प्लस का आइकन पर क्लिक करूंगा, और यहां से मैं कुछ हिस्से को काट लूंगा जो कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, ठीक है। एक बार मैं उसको सर्च कर लूंगा, यही तक की वीडियो ले लूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो लूंगा तो थोड़ा सा जो है फाइल थोड़ा सा जो है एक्सपोर्ट होने में फाइल तैयार टाइम लेगी, तो यहाँ पर मैं करूँगा राइट पर दबाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्पैच ऑडियो देखेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ आपको जो है वीडियो को डिलीट कर देना, ठीक है। अभी हमारे पास में ऑडियो आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ इमेज भी लगाना है, क्योंकि बिना इमेज के तो स्टोरेज अच्छी लगेगी नहीं, तो यहाँ मैं आऊँगा
और यहाँ से मैं कुछ इमेज ले लूँ, मैंने उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था, ये इमेज आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या है, एक सिंपल सा इमेज तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ और भी लूँगा। तो यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं ओपन करूँगा यूट्यूब, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मुझे बैकग्राउंड टून वगैरह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो स्टोरी वगैरह होती हैं वो बैकग्राउंड टून से ही क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चैनल ओपन करूँगा, ये नॉर्मल सा आपको अपना चैनल ओपन कर लेना है, ठीक है। यूआर वीडियो पर क्लिक करूँगा और ये अब चैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको बैकग्राउंड टून मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्लाइड करना और यहाँ आपको देखेगा ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है अच्छे अच्छे टून ले लेना। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ सैड, ठीक है, इंटर करता हूँ और यहाँ से मैं अच्छे अच्छे टून ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको टून ले लेनी है जो कि बिल्कुल सैड हो या फिर आपकी कहानी से थोड़ी मिलती जुलती हो। जस्ट मैं कोई भी टून ले लेता हूँ, उसको मैं आपको यहाँ, चूँकि मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ करना आपको है और मेहनत करने, थोड़े से दिल लगाकर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो टून डाउनलोड कर यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं यूट्यूब पर लिखूँगा ग्रीन स्क्रीन स्टार, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन स्टार लिखूँगा। दोस्तों यहाँ से मैं कुछ स्टार डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैं स्टार वीडियो डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ मैं YouTube के जो U है उससे पहले मैं डबल एस लगाऊंगा और इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगा तो अभी क्या ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी यहाँ पर और यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुकी है, बस इतना से प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद दोबारा से मैं आ जाऊँगा अपने यहाँ पर, कहाँ पर, फिल्मोरा पे, और यहाँ जो जो मैंने डाउनलोड कर दिया मैं ले लूँगा फटाफट। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ ये हमारा स्टार दस को मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है, ये भी मैंने ले लिया। और अब जो टून ली थी यहाँ पर मैं इसको भी ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं करूँगा क्या, इसको फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक इमेज ले लूँगा, जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके इमेज को ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बॉयज को लगा देंगे तो मैं अपने बैकग्राउंड टून लिया था मैं उसको भी ले लूँगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसको जो है फोल्ड कर दूंगा, जस्ट मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप कोई अच्छा इमेज ले नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और इस पर आपको डबल क्लिक करके और यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। बस और ये हमारी स्टोरी रेडी है। शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वह हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सुअर दिखलाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है, इसी सुअर का शिकार कर लेता हूँ। देख पर दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है बॉयस से, ठीक है, यानी बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ सेटअप हुआ है। जस्ट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर और इसको आपको डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी यहाँ पर और भी बहुत काम बाकी है, तो बहुत से लोग यहाँ तक देख कर निकल जाएंगे, क्योंकि चूँकि आगे अभी पूरी स्टोरी बाकी है कि आप कहाँ से कीवर्ड लेंगे, कहाँ से आप कंटेंट लेंगे, कहाँ से टाइटल लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपनी वीडियो को वायरल कराने में। दोस्तों यहाँ पर हम कंटेंट लें तब तक जो प्रोजेक्ट तैयार होता है, मैं उस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंटेंट तैयार हो चुका है, हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था।
एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ, दूसरे ही दिन वह हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी अच्छी स्टोरी बन चुकी है थोड़ी सी देर के अंदर, जिसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर इस पर मैं और थोड़ा समय देता और इस पर और अच्छे करने बनाने की कोशिश करता तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती, लेकिन अगर मैं इसको बहुत अच्छे से बनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इतना ही समझाया। अब आपके सामने स्टोरी बन चुकी है तो इसलिए आप बहाने बनाना बंद करिए, इस तरीके से स्टोरी बनाइए। अब दोस्तों इसको अपलोड कैसे करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप जब भी इसको यूट्यूब पर अपलोड करो तो कीवर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान देना, टैग का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, डिस्क्रिप्शन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको keywordtool.io, ठीक है, keywordtool.io इस तरीके की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको YouTube से रिलेटेड जो है जैसे यहाँ पर लिखो, पर यहाँ आप लिख दो सर्च में हिंदी कहानियां, कंटेंट निकल के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया, ठीक है, यहाँ लैंग्वेज करता हूँ हिंदी, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करूंगा, अब दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत से टैग निकाल के देगा जिन टैग को मैं यूज ले सकता हूँ अपने वीडियो को वायरल कराने में। देखो यहाँ पर मुझे बहुत से टैग इसने निकाल के दे दिए हैं, ठीक है, हिंदी कहानियाँ कार्टून, हिंदी कहानियाँ हॉरर स्टोरी, हिंदी कहानियाँ मॉरल स्टोरी। अगर आप इन टैग को यूज करते हो अपने वीडियोज के लिए तो आपकी वीडियो बहुत जल्दी सर्चिंग में आएगी। और दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 15 दिन के अंदर अगर 50 वीडियो बनाकर अगर आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दी तो देखो आप महीने भर के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए की साइड इनकम आप जनरेट कर रहे होंगे यूट्यूब से। और अगर आपने 100 स्टोरी डाल दी तो आपका और भी ज्यादा ग्रो होगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा प्रोसेस, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि इंटरनेट से पैसा नहीं कमा रहा होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा प्रोसेस, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बात और, अगर आप रियल में अर्निंग करना चाहते हो घर बैठे इंटरनेट के सहारे से, तो मेरे कुछ कोर्सेज हैं जिनको फॉलो करके आप घर बैठे बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।